हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द नेपाली कमेंट यूट्यूब चैनल की एडिटिंग ब्रेकडाउन करने वाले हैं। आप में से कुछ व्यूवर्स के कमेंट आए हुए थे कि इस चैनल का एडिटिंग ब्रेकडाउन लेकर के आइए, तो आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ कवर करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वीडियो ओपन कर ली है। तो यहाँ पे हम कुछ पार्ट्स के जो है एडिटिंग ब्रेकडाउन करेंगे, पूरे कंप्लीट वीडियो का एडिटिंग ब्रेकडाउन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को प्ले कर लेते हैं और देखते हैं वीडियो को, देन इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप इस टाइप के एनिमेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड में एक वॉलपेपर लिया गया है जहाँ पे विनियट का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक फ्रेम बनाया गया है फोटो फ्रेम को, और बहुत ही इजी तरीके से आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया हुआ कि रफ एन एज का यूज़ करके आप इस तरीके से काफ़ी अच्छे फोटो फ्रेम जो है क्रिएट कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेंगे, देन इसके बाद में आफ्टर इफेक्ट में जाने के बाद में जो है मैं आप लोगों को क्रिएट करके बताऊँगा। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, लोगों को पता नहीं है कि आप जो ये वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं वो किस ऐप में कर रहे हैं, ऐसे कमेंट आते हैं लोगों के। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये किसी एप्लीकेशन पे नहीं है, ये विंडो सॉफ्टवेयर या फिर आप मैक या फिर विंडो वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी। आप ये मोबाइल में एडिट नहीं कर सकते। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, हालांकि मैंने उनका रिप्लाई नहीं किया था, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके लिए आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी, तभी आप जो है इस टाइप से वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, मतलब आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो मोबाइल में नहीं हो पाएगा, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम कंपोजिशन जो है क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 1920x1080p का रेजोल्यूशन ले लिया है यहाँ पे, साथ ही 30 फ्रेम रेट का 10 सेकेंड ड्यूरेशन वाला जो है हम यहाँ पे कंपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड जो है आपको जो भी रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं, बट ये जो फोटो फ्रेम, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे फोटो फ्रेम ऐसा रफ एन एज वाला कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक शेप ले लेना है, और यहाँ पे एक शेप लेने के बाद में जिस भी साइज का शेप लेना चाहते हैं आप वो शेप ले लीजिए। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे इस शेप का जो एंकर पॉइंट है सेंटर रखना है, रखिए, एनिमेट करने के लिए वो बेटर रहेगा। तो बट फिलहाल मैंने यहाँ पे इसका डुप्लीकेट ले लिया, इसका स्ट्रोक हम कर देंगे बंद, और इसका मैं कर दूंगा डुप्लीकेट। तो यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कर दिया, तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है ना, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन नीचे वाली जो वीडियो है, मतलब नीचे वाली जो फाइल है, तो इसका जो फिल है वो हम कर देते हैं ऑफ। देन इसके बाद में जो यहाँ पे बॉर्डर है इसको कर देते हैं हम 20। तो ये देखें यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो गई, कलर हम दूसरा कर देते हैं फिलहाल के लिए अभी, है ना। अब बॉर्डर जितनी भी आप विड्थ रखना चाहते हो उतना विड्थ रख सकते हैं, जैसे कि फिलहाल के लिए हमने इतना विड्थ रख दिया, जैसे उसमें बॉर्डर का विड्थ ज़्यादा है तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया। देन इसके बाद में आपको जो बॉर्डर है तो आप चाहें तो रीनेम कर लें, बिकॉज क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो कुछ भी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, तो ये देखिए बॉर्डर मैंने लिख दिया। देन इसके बाद में यहाँ पर आपको इफेक्ट डालना है, ठीक है। तो इफेक्ट का नाम है रफ एन एज, तो यहाँ पे रफ एन एज आप डाल देंगे। तो रफ एन एज जैसे डालेंगे आप, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आपको बढ़ा देनी है, तो ये देखिए कॉम्प्लेक्सिटी हमने बढ़ा दी है। तो यहाँ पे बॉर्डर जो है काफ़ी अच्छा जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। देन इसके बाद में आप चाहें तो बॉर्डर का साइज़ जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप जो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो 8 रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे आप जो एज शार्पन है ना, तो इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको चाहिए है। तो फिलहाल के लिए जो है हम इसको यहाँ पर कर देते हैं 10, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्केल है आपको कितना रखना है, कम रखना है ज़्यादा रखना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। तो 50 में सही दिख रहा है। अब सेम इफेक्ट को हम कॉपी कर लेंगे और ऊपर वाली लेयर में हम पेस्ट कर देंगे, तो हमको दोनों ही लेयर में जो है हमने इफेक्ट लगा दिया है। अब सिंपल आपको करना क्या है कि जो भी इमेज आप दिखाना चाहते हैं इसके अंदर, तो सिंपल आपको वो इमेज इंपोर्ट कर लेनी है। लाइक एग्जांपल के लिए, जैसे कि हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जो भी इमेज आपको दिखानी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ये इमेज को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। इस इमेज को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इस इमेज को आपको ट्रैक मैट कर देना है, तो सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने इसको और ये कर दिया हमने ट्रैक मैट, इस शेप से जो अंदर वाला शेप था उसे ट्रैक मैट कर दिया। तो ये देखें, अब बॉर्डर का कलर आपको चेंज करना है, वाइट करना है, तो सिंपल आपने कलर इसका चेंज कर दिया। तो ये देखें, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको आपको एनिमेट करना है, यानी कि स्केल वगैरह करना है, स्केल डाउन करना है, जैसे कि उसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है स्केल हो रहा था। तो सिंपल आपको करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और पेरेंट कर देना नीचे बॉर्डर से। अब बॉर्डर को आपने यहाँ पर स्केल पर की लगा दी, देन आगे जा करके जितने भी देर का आपको एनिमेशन चाहिए, सपोज आपको 3 सेकेंड का एनिमेशन करना है, तो आपने इसको थोड़ा सा एनिमेट कर दिया, जैसे
5 कर दिया मैंने। अब देखें ये जो है धीरे धीरे जो है स्केल होता जाएगा, है ना। अब तीनों चीज़ें एक साथ होती जाएंगी बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पैरेंट कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है इसको एनिमेट कर सकते हैं। पीछे की साइड में जो भी बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और उसके ऊपर जो है विनियर आप डाल दीजिए एक, तो काफ़ी अच्छा लुक जो है सिमिलर आपका वहाँ पर देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो एरो वाला की एनिमेट हुआ, यहाँ पे आपने जो देखा कि एरो वाला एनिमेशन जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो ये कैसे होगा, तो ये भी बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। सिंपल आपको ट्रिम पाथ का यूज़ करके जो है इसको क्रिएट कर लेना है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको करना क्या है कि आपको एक जो है शेप यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर दिया पेन टूल से, ठीक है। अब इसको जो है मैंने यहाँ पे इसका जो स्ट्रोक है वो हम पहले तो कम कर देंगे। अब इसमें आपको करना क्या है कि यदि जो पॉइंट है, है ना, जैसे कि कर्व उसमें था थोड़ा सा, तो कर्व आपको बनाना है, तो ऐसे थोड़ा सा 3 पॉइंट आप क्रिएट कर दीजिए। देन इसका जो स्ट्रोक है वो मैं कम कर देता हूँ पहले। एंड पहली चीज़ तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं सबसे पहले। देन इसके बाद में जैसे ये बन जाए आपका, तो इसके बाद में आपको पहले साइड में क्लिक करना है। देन इसके बाद में दोबारा से फिर इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है फिर से एक बार ड्रॉ कर देना है ये एरो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको एरो को ड्रॉ कर दिया है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आकर के जो वर्टेक्स है, तो ये वाले वर्टेक्स पे आकर के यहाँ पे पहले तो टूल चेंज करना, आपको कन्वर्ट वर्टेक्स टूल पे जाना है। देन यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये देखिए काफ़ी अच्छा कर्व जो है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। अब आपको और कर्व चाहिए तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके इस तरीके से और थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे कर्व हो गया काफ़ी अच्छा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसमें आपको जाना है ऐड पे जाकर के, ट्रिम पाथ पे जाकर के आपको इसमें एनिमेशन कर देना। तो लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 फ्रेम का एनिमेशन करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे एंड पे की लगा दी जा करके, और स्टार्टिंग फ्रेम पे आकर के इसको जीरो कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एनिमेट हो रहा है, बट अभी जो हमारा एनिमेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। आप यदि गौर से देखेंगे तो हमारा जो एनिमेशन हो रहा है वो यहाँ पे एक साथ हो रहा है, ये एरो और ये लाइन जो है एक साथ एनिमेट कर रही है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि पहले लाइन जाए, देन फिर इसके बाद में एरो क्रिएट हो। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो शेप आप देख रहे हैं, तो शेप को आपको शेप वन को पहले आपको यहाँ पे ले जाना है ऊपर की साइड में, फिर शेप टू नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले लाइन ड्रॉ होगी फिर वो चीज़ होगा, बट इसके लिए अभी आपको एक चीज़ और चेंज करनी होगी। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ट्रिम पाथ मल्टीपल शेप्स है जो यहाँ पे साइमल्टेनियसली को चेंज करके आप इंडिविजुअली कर देंगे, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइन ड्रॉ होगी फिर जा करके वहाँ पे एरो सही से क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको सिंपल आप सीधा कर सकते हैं, यहाँ पे यदि आपको ऐसा लग रहा है कि तिरछा ये, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एनिमेशन है इस तरीके से सेम जो है क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए सिंपल आपका जो एरो एनिमेशन क्रिएट हो गया। यदि आप चाहते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा रफ एंड एजेस आ जाए, तो सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो आपने इफेक्ट क्रिएट किया हुआ था, तो उस इफेक्ट को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे रफ एंड एज को आपने कॉपी कर लेना, उसमें जा करके पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, अब इसमें बहुत ज़्यादा थी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि पहले तो यहाँ पर जाएंगे और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर का साइज़ जो है यहाँ पर कम कर देंगे। तो ये देखें बॉर्डर का साइज़ कम करने पे काफ़ी अच्छा जो इफेक्ट है रफ एंड एज का वो यहाँ पे आ चुका है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से एरो एनिमेशन भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एनिमेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्रिएट करने में। यदि आप सोचें कि एक ही वीडियो में सारे एनिमेशन कवर कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि आपने देखा कि मैंने दो एनिमेशन केवल बताए हैं और इसी में कितना ज़्यादा टाइम लग गया है। तो इसलिए यदि आप लोग डिटेल से एनिमेशन सीखना चाहते हैं, तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, बहुत ही कम से कम प्राइस में मैंने जो कोर्स यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप लोग डिटेल से सीख सकते हैं कि किस तरीके से वीडियो एडिटिंग प्रॉपर की जाती है। यदि आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, या फिर आप फ्रीलैंसिंग करना चाहते हैं, या फिर आप जॉब करना चाहते हैं, या फिर खुद का चैनल क्रिएट करके अपने लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस कोर्स के अंदर आपको बहुत ही डिटेल से मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग जो है प्रॉपर कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं, और प्रोफेशनली जैसे बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर जो बनाते हैं वीडियोस वगैरह, उस टाइप की वीडियोस आप कैसे बना सकते हैं, तो डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर कोर्स को ज्वाइन करें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोर्स में डाउट सेशन मैं वीकली अटेंड करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ भी डाउट वगैरह रहते हैं, तो आप लोग वहाँ डाउट सेशन में आकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को देखते हैं और आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, और वो सारी चीज़ें जो है कवर करेंगे।
अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो पीछे मैप एक दिखाया गया है, मैप को ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया है, यानी कि टिंट इफेक्ट यूज़ करके, साथ ही साथ में ऊपर के साइड में सेप यूज़ किया गया है। तो ये जियो लेयर वाला पार्ट है, जियो लेयर का ऑलरेडी मैंने वीडियोस काफ़ी सारी बनाई हुई हैं, यदि आपने नहीं देखा तो जियो लेयर का प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो चैनल पर जाकर एक बार जियो लेयर की प्लेलिस्ट देख लें, वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे आप जियो लेयर का यूज़ करके मैप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और जियो लेयर के ऊपर मैं एक कोर्स भी लेकर के आने वाला हूँ, दिवाली के बाद में मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जो कि लाइव क्लासेस रहेंगी। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द जो आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये सेम यहां पे एरो एनिमेशन आप कर सकते हैं। अब यहां पे जो आप देख रहे हैं ये तो एनिमेट हो रहा है, तो ये स्केल का एनिमेशन किया गया है। यहां पे सिंपल क्या किया गया है कि यहां पे आप देख सकते हैं कि सिंपल एक शेप है, यानी कि इमेज है, मैं शेप के थ्रू बता रहा हूं आपको, जैसे कि ये शेप है। अब इसका जो फिल है यहां पे हम ऑन कर देते हैं पहले, तो ये देखिए मैंने फिल ऑन कर दिया, इसका जो कलर है हम चेंज कर देते हैं पहले ताकि वो समझ में आए। अब देखिए सिंपल हुआ क्या है कि यहाँ पे मैं पहले तो एंकर पॉइंट इसका सेंटर रख देता हूँ। अब 15 फ्रेम का एनिमेशन यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 15 फ्रेम का स्केल का एनिमेशन मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको कर दिया मैंने यहाँ पे 100, तो यहाँ पे की लगा दी मैंने। अब देन सेंटर पे आ करके जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे की लगा दी फिर से। अब जो सेंटर वाली की है इसको मैंने कर दिया 110, तो ये देखे अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा एनिमेशन जो है आप लोगों को देखने मिल रहा है। अब सिंपल इसको मैंने कर दिया इजीज, तो ये देखे बहुत ही अच्छा एनिमेशन जो है आप लोगों को देखने मिल रहा है। अब सिंपल इस की को हम पास में ले जाएंगे, ठीक है। अब पास में कैसे ले जाते हैं हम, तो ऑल बटन को होल्ड करके ले जाएंगे, तो ये पास में इस तरीके से हम जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यदि थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा था थोड़ा सा दूर कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा एनिमेशन जो है आप लोगों को देखने मिल जा रहा है। अब सिंपल इसको डुप्लीकेट कर देंगे हम यहाँ पे, ये देखिए डुप्लीकेट कर दिया हमने। अब इसको जो है आप रख दीजिए जहाँ भी रखना चाहते हैं, लाइक जैसे कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। जहाँ पे भी रखना चाहते हैं आप इस तरीके से रख सकते हैं। अब सिंपल यहाँ पे करना क्या है आपको कि इनको डिले कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए अब आपने डिले कर दिया। अब डिले करने के बाद में आप स्टार्टिंग के जो पॉइंट है इसको बढ़ा दीजिए। अब आप देखें ये देखें इस तरीके से पूरा एनिमेट कर रहा है। तो इस तरीके से जो है सेम जैसा वहाँ पे एनिमेशन हो रहा था वैसे हमने यहाँ पे जो क्रिएट कर दिया। तो सिंपल आपने क्या किया कि पहली पॉइंट लगाई, सेकंड पॉइंट में थोड़ा सा स्केल का वैल्यू बढ़ा दी, थर्ड पॉइंट में वापस से वही वैल्यू करती जो स्टार्टिंग पॉइंट पे थी, तो सेम जो है वेव वो एक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जो है एक शेप क्रिएट किया गया है और मैप के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इमेज के ऊपर जो है एक ये इमेज आ गई है जो जेल वाली इमेज होती है ना, रॉड्स जो होती हैं इसके काफ़ी सारे पीएनजी आपको मिल जाएंगे, तो बस उसको जो है एनिमेट कर देना है आपको, तो ऊपर से नीचे साइड में आ रही है। अब यहाँ पर ट्रैक मैट का यूज़ किया गया, कैसे कर सकते हैं आप, लाइक जैसे कि यहाँ पर मैं एक जेल का फ़ोटो निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। जेल लिखेंगे तो मे बी शायद तक आ जाए, ठीक है, ये आ गया है ना। तो यहाँ पे हम पीएनजी रॉड्स निकाल लेते हैं, इसका पीएनजी निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। इसका पीएनजी निकाल लिया हमने, एग्जांपल के लिए ये वाली इमेज जो है इसका पीएनजी देखते हैं हम, इसका पीएनजी अवेलेबल है या नहीं। यदि नहीं दिख रहा है तो सिंपल आप क्या करेंगे, टूल पर जा कर के कलर्स पर जा कर के ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देंगे तो सारे पीएनजी इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्लिक किया तो ये देखिए पीएनजी आ गया, इसको हम सिंपल सेव कर लेते हैं। ये देखिए हमने सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी इमेज है, लाइक जैसे कि हमने किसी भी इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल के लिए हम चलिए एक ये इमेज है तो इस इमेज को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं एक नया कंपटीशन क्रिएट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। ये ले लिया हमने। अब हम जो है जेल की जो इमेज डाउनलोड करी थी पीएनजी, वो हमने इंपोर्ट कर ली, ठीक है। दोनों इमेज को हमने ले लिया यहाँ पर। अब इसको हमने क्या किया कि सिंपल जो ये इमेज है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया हमने, ये देखें। अब सिंपल हमने क्या किया कि ये जो जेल वाली इमेज है इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, तो ये देखिए हमने थोड़ा सा इस इमेज को बड़ा कर दिया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको इसको एनिमेट कर देना है, तो पोजीशन से आप इसको एनिमेट कर देंगे जेल वाली इमेज को, और इसको आपको ऊपर ले जाना है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे यदि आप देखोगे वीडियो में, तो वीडियो में हो रहा था कि जितने में इमेज है केवल उतने में ही आपको जो जेल वाला पीएनजी है वो दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ट्रैक मैट कर देंगे। तो हमने ये इसको ट्रैक मैट कर दिया, किससे, ये इमेज से। तो अब इमेज हमारी गायब हो जाएगी, तो यहाँ पर इसको सीधे हमको ऑन कर देना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो जेल की इमेज है वो केवल वीडियो जो इमेज थे हमारी या फिर वीडियो जो भी जिसके ऊपर भी आप करना चाहते हो तो केवल उसी के ऊपर शो कर रही, बाहर शो नहीं कर रही। यदि मैं पीछे यदि बैकग्राउंड एक डाल देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे
केवल वो उस इमेज के ऊपर ही इमेज आ रही है। देखो ये देखो आप, है ना, तो सेम टाइप से एनिमेशन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ट्रैक मैट का यूज़ करके, बहुत ही ईजी तरीके से। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल से बतानी पड़ेंगी, इनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और यहाँ पे यदि आप लोग इस टाइप से एनिमेशन सीखना चाहते हैं, प्रॉपर मोशन ग्राफिक्स वगैरह, जो कि देखने में वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारी जो है बनती हैं इन सब का यूज़ करने से, तो आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ जो है मैं फ्री में अवेलेबल नहीं करा सकता हूँ, बिकॉज आप लोग भी समझते होंगे कि एक चैनल को रन करने में, आप लोग ये समझते होंगे कि YouTube चैनल से इतनी ज़्यादा अर्निंग होती नहीं है, और मुझे ये सारी चीज़ें जो है सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत मेहनत भी लगी है। तो अब ये सारी चीज़ें आप लोग मेरी 5-6 साल की मेहनत जो आप लोग सीखना चाहते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में जो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से सिखाता हूँ, ठीक है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कोर्स को ज्वाइन करें। अब ये जो आप देख रहे हैं, तो ये अगेन यहाँ पे रफ एन एज का यूज़ किया गया है। तो रफ एन एज का यूज़ करके आप किसी भी स्ट्रोक को में या फिर किसी भी जो शेप है तो उसमें काफ़ी अच्छे टेक्सचर जो हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यदि आप लोग और भी इसका एडिटिंग ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इसका जो है सेकेंड पार्ट लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे की जो वीडियो एडिटिंग है वो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसका और सेकेंड पार्ट देखने के लिए, तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक में भी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।